नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रियंका आर्य। आइए रुक करते हैं खबरों का। खबर बलिया से है, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना पे पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का और आग से हुए नुकसान का पता नहीं चल पाया है। ये गुरुद्वारा रोड से थाना कोतवाली में बलिया में एक कपड़े की काफी बड़ी दुकान चला थी, तो अभी शाम को ये जानकारी मिला यहाँ पर आग लग गई और इसके घर पहुंची आग तत्काल यहाँ पर अगल बगल बिल्डिंग थी उसको हमने इवैक्यूएट करवा लिया था। उसके अलावा जो नीचे के तल में जो कपड़े रखे थे, जो सामान रखा था, उसको भी हमने हटवा दिया था। आग के कारण भी जब जांच होगी तो उसकी बात पता लगेगी क्या कारण रहा है। खबर एटा से है, जहां फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। सूचना पे पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान भी हुआ है। खबर रायबरेली से है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य आयोजन के अवसर पर पूरे देश में दीपावली पर्व का कार्यक्रम मनाया गया, जिस दौरान दलमाऊ गंगा तट पर 21,000 दीप जलाए गए। खबर कुसमी से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा और शासन की लोक हितेशी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से शिविर आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजय जायसवाल का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन करते हुए उपस्थित ग्रामीणों को शासन की जन कल्याणी योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया, साथ ही विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया। विकसित भारत योजना के तहत जो कुछ भी योजना है, जो प्रधानमंत्री जो गारंटी योजना लागू किए हैं, जिस प्रकार से इंदिरा प्रधानमंत्री आवास हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, और जितना भी 15-16 प्रकार का योजना है, उसके संबंध में पूरा विस्तृत रूप से ग्रामीणों को बताया। और पहले से ही कुछ लोग लाभ ले रहे हैं, अगर नहीं लिए होंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो फिर जानकारी उन लोगों को मिला है और वो सब भी लाभ लेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां मंदिरों में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सोमवार को महोत्सव मनाया गया, जिस दौरान पंचायत के सभी ग्रामों को भगवा ध्वज और तोरण से सजाया गया। सभी कोई एकजुट होकर हमारे युवा साथी लोग भी तत्काल ऐसा सोच बनाए और इतना भव्य प्रोग्राम होगा हम लोग भी सोचे नहीं थे, पर ये बहुत ही सकारात्मक सफल प्रोग्राम रहा। हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर स्थापित करके रहेंगे और उन्होंने किए और पूरे विश्व को ये संदेश दिए कि राम विराजमान आज 22 जनवरी को हुए हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा है। पूरे देश में दीपावली के तरह भारी उत्सुकता के साथ मनाया जा रहा है और हम लोगों ने भी ये अपने ग्राम पंचायत गोपालपुर के शिव मंदिर में भव्य रूप से प्रोग्राम का आयोजन किए, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां भारत सरकार के निर्देश अनुसार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले अभियान में पुलिस अधीक्षक व एडिशनल पुलिस अधीक्षक आरके वर्मा के निर्देश पर एनसीसी कमांडेंट को सड़क सुरक्षा नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। हाई स्कूल परेड ग्राउंड में स्काउट और एनसीसी कमांडेंट को महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी और वाहन चलाते समय यातायात के नियमों के महत्व को समझाया कि किस प्रकार से हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से और ट्रैफिक सिग्नल जैसे नियमों का पालन करने से जान हानि और गंभीर चोटों से बचा जा सकता है। खबर पंखाजुर से है, जहां नगर पंचायत में भाजपा नेता की इसी महीने हुई हत्या में पार्षद विकास पाल को सम्मिलित होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अवैध रूप से बने इन लॉन्च पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए की बनी लागत से बना ये लॉन्च इसे ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर राय
रायबरेली से हैं, जहां देर रात घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया, जिस दौरान एक कार पेड़ से टकरा गई और खाई में गिर गई, जिससे कार में मौजूद दो लोगों की मौत हो गई और चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चे बाहर गए थे गाड़ी लेके, उनका एक्सीडेंट हो गया था, दो बच्चों के डेथ हो गई और चार बच्चों को रिफर कर दिया गया है लखनऊ के लिए। ये हमारे पास तकरीबन रात में 1 बजे एक्सीडेंट का एक मामला है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 4 लोगों को गंभीर अवस्था में देखते हुए उनको लखनऊ के लिए रिफ़र कर दिया गया। जिन लोगों की मृत्यु में एक नमन जिनकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष है तथा एक प्रखर शुक्ला जिसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष है, और 4 लोग जिनको रिफ़र किया गया है, एक आरव मिश्रा है, मंथन शुक्ला, आनंद त्रिवेदी और एक आयुष हैं जिनको रिफर किया गया है। खबर औरैया से है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा अपने अंदाज में ही रामलला का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा आतिशबाजी करते और रामलला के गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।